सलाम नमस्ते, वेलकम टू द एपिक लाइफ। मैं हूं आपका होस्ट ऑफ द स्काई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू अरेंज फंड्स बिफोर यू इमिग्रेट टू कनाडा। अगर आपका ऑलरेडी वीज़ा हो चुका है, स्पाउस वीज़ा है, या फिर आपका पीआर है, या फिर आपका स्टूडेंट वीज़ा है, या आपका वर्क परमिट है, कुछ भी अगर वो ऑलरेडी हो चुका है एंड यू आर थिंकिंग दैट आप 15 दिन में, महीने में अगर आप कनाडा आना चाहते हैं और आपको कैनेडियन डॉलर की ज़रूरत है, तो मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताऊंगा इसका कि क्या आपको करना चाहिए। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि ब्लैक मार्केट के थ्रू दे बाय द कैनेडियन डॉलर, एंड उससे ये होता है कि आप एक पर डॉलर कॉस्ट यू पे मोर मनी देन एक्चुअली इट इज़। फॉर एग्जांपल, अगर कैनेडियन डॉलर 51 या 52 रुपये का है, तो यू एंड अप पेइंग लाइक 55-56 रुपीज़ पर कैनेडियन डॉलर। सो दिस इज़ नॉट वर्थ इट। अगर आप बहुत बड़े अमाउंट के डॉलर्स अगर आप ले रहे हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपको ना तो फोरेक्स कार्ड लेने की ज़रूरत है, ना आपको, अगर फॉर एग्जांपल आप इंडिया से हैं, तो ना तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने इंडिया के अकाउंट में पैसे रखे रहने देते हैं एंड दे यूज़ द कार्ड ओवर देयर इन कनाडा। बट अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको जो जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये ना करते हुए कनाडा के बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डालूंगा, विच गिव्स यू एन ऑप्शन टू ओपन अ बैंक अकाउंट बिफोर लैंडिंग टू कैनेडा। तो मैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक नेशनल बैंक है, यू कैन ओपन योर अकाउंट। वो लोग आपसे कुछ तरह का आईडी प्रूफ मांगते हैं, तो सबसे बड़ा है दैट योर लैंडिंग पेपर, जो कि अगर आपको आता है एज अ प्रूफ के दैट यू आर अ परमानेंट रेसिडेंट, और जो आपको लेके जाना रहता है अपने साथ कनाडा अलॉन्ग विथ योर पासपोर्ट, तो वो चीज़ के बेसिस पे आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दूसरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो लोग मांगते हैं, दे मे आस्क योर पासपोर्ट, दे मे आस्क योर सम अदर काइंड ऑफ लोकल आईडी फ्रॉम विच एवर कंट्री यू आर फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया से हैं, तो इंडिया की भी कोई आईडी मांग सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये सारी ऑनलाइन सेटअप हो जाती है। बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको ऑनलाइन आ जाएंगी, आपको ईमेल हो जाएंगी, और जो एक्चुअल एटीएम कार्ड है या डेबिट कार्ड है, ये आप कनाडा लैंड करके किसी भी ब्रांच से कलेक्ट कर सकते हैं। कार्ड यहाँ पे नेसेसरीली नाम वाले नहीं होते, दे जस्ट गिव यू अ कार्ड विद द नंबर एंड यू कैन सेट अप द पिन बाय द टाइम यू पिक इट अप, और वो आप किसी भी ब्रांच से जाके पिकअप कर सकते हैं। और ये ऐसे अकाउंट अगर आपको ऑनलाइन आपने खुला लिया, तो उसका सबसे बड़ा फिर फ़ायदा ये है कि वंस यू हैव द अकाउंट नंबर, यू हैव द राउटिंग नंबर एंड वॉट एवर थिंग्स नीडेड टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम विच एवर कंट्री यू आर फ्रॉम टू कैनेडा, इट बिकम्स वेरी ईजी। उसके बाद अगर आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर लें, तो बहुत मिनिमम फ़ी, विच इज़ अबाउट लाइक $30 फ़ी में आप एक अच्छा खासा अमाउंट इंडिया से कनाडा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया के हैं तो मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको यही चीज़ करने को बोली, तो ही ओपन्ड अकाउंट इन नेशनल बैंक बिफोर गोइंग टू कनाडा, और फिर उसने यहाँ से अपने अकाउंट से कुछ फंड्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करे, तो वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो गए विद इन लाइक फ्यू आवर्स। एंड व्हेन ही लैंडेड, जब वो कनाडा आया, तो वहाँ पे जाके उसने कार्ड कलेक्ट किया, एंड देन यू कैन सेट अप द एप्लीकेशन ऑन योर मोबाइल फ़ोन एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग द मनी लाइक इंस्टेंटली। तो आपको ना तो किसी एजेंट का प्रॉब्लम आएगा, ना आपको कन्वर्जन रेट में कोई प्रॉब्लम आएगी कि आपको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं एज कम्पेयर टू जो आपका एक्चुअल रेट है। सो दिस इज़ द थिंग, मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कैनेडा आ रहे हैं, तो ये चीज़ ज़रूर करें, अकाउंट आप इंडिया से बैठ के खुलवा लें और कैनेडा में आके उस अकाउंट को एक्सेस करें। बिफोर एक्सेसिंग, जस्ट मेक श्योर यू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम योर इंडियन अकाउंट टू योर कैनेडियन अकाउंट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई वीडियो। अगर आपने ये वीडियो आपने अगर मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। नीचे राइट साइड पे रेड बटन है सब्सक्राइब का, वो दबा दें, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा, तो वो आपको मिलेगा। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन एंड होप यू हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।